And it's very, very important. The government has now banned 118 more Chinese apps, including PUBG. Including PUBG. हे भगवान, ऐसा क्या पाप किया है मैंने? क्यों मुझसे तू सब कुछ छीन रहा है? पहले बचपन, स्कूल, सारी यारी दोस्ती, कॉलेज में सिर्फ एक बंदी पढ़ी थी और वो भी छोड़ के चली गई। और अब इन सभी चीजों से बचने के लिए, सबकी याद बुलाने के लिए सिर्फ एक पबजी था मेरे पास। मेरा इकलौता सहारा था वो, और तूने वो भी छीन लिया मुझसे। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा, प्यार निभाओ यारा, कि तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। ये पर्दा हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। PUBG वही गेम जिसको स्टार्टिंग दौर में जब हम खेलते थे तो इंटेंस मैच में हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। लोगों को दारू, बीड़ी, सिगरेट, इनके नशे और एडिक्शन होती है, लेकिन हमारे यहाँ के देसी बच्चों को PUBG की एडिक्शन हो गई। भरे बाजार में घूमते घूमते PUBG खेलते हैं, माँ बाप पकड़ न ले इसलिए रात को इसे कम्बल ओढ़ के फिर PUBG खेलते हैं। जब ग्रुप स्टडी के लिए चार लौंडे पढ़ने बैठते थे ना, तो उसके पहले वो बोलते थे, भाई चलो यार एक गेम PUBG की भी हो जाए। तुम PUBG के लास्ट जोन में हो, लेकिन तुमको आ गया प्रेशर। साला बच्चे ना मोबाइल लेके बाथरूम में हगने तक चले जाते हैं यार। साला चड्डी में हगना हो जाए चलेगा, लेकिन चिकन डिनर नहीं छोड़ना इनको। ये लोग गेम जीतने के बाद इतना खुश हो जाते थे जैसे इनको सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मिल गया हो। और मान लो इनकी स्क्वाड हार गई, तो जिस बंदे के किल सबसे कम है उसको आरोपी घोषित कर देंगे, और जिसके सबसे कम किल होते हैं ना उसके पास बहाने तैयार। पिंग ज्यादा थी यार, अरे भाई ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अरे मेरी बंदी का कॉल आ गया। सीधा समझाऊं तो जीत गए तो यार आई एम प्रो प्रो प्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर हार गए तो अंबानी की जियो छूटिया सीम है यार, नेटवर्क सही से नहीं आते, पिंग ज्यादा आती है, इस गेम की गलती है। चुप। देखो मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनके लिए PUBG करियर था, कमाने का सोर्स था, लेकिन मेरे को अच्छा भी लग रहा है उन बच्चों के लिए जो PUBG के चक्कर में पूरे बावड़े हो गए थे। सुबह से शाम PUBG, रात को सोने के बाद सपने में भी PUBG। मैं उसको बोल रहा हूँ परसों से एग्जाम है भाई, पढ़ाई कर लियो, और वो मेरे को बोलता है कि तेरा भाई एस में पहुंच गया। साले एग्जाम के आंसर शीट में भी विनर विनर चिकन डिनर लिख के आई हो। मेरे को इन लोगों का हिसाब समझ नहीं आता, पहले इन लोगों के पास एक रुपया नहीं था, मैंने इनसे अपनी उधारी वापस मांग ली। भाई गरीब हूँ यार। साले सड़क पर जाते हुए मैंने इनको बोल दिया आज मूंगफली खिला दे भाई, तो बोलेंगे यार मैं गरीब हूँ यार। और यही भूतनी का हर महीने उस PUBG ऐसे गेम में रॉयल पास खरीदता है। साले गेम के लिए पैसे तेरे पास, अंबानी का दामाद हो रखा है क्या? नहीं। इनके घर वाले बोलते 15 मिनट में ट्रेन आ रही है तो स्टेशन लेने आ जाना, और ये लौंडा 20 मिनट बाद पोचिंग की जा रहा है। कसम से घर आने के बाद बाप ने ना गांठ फाड़ सुताई लगाई है। I'm sorry. नहीं। I'm sorry. और ऐसी हरकतें करोगे तो पेरेंट्स क्यों ना मारे। पेरेंट्स जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, आयो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। पेरेंट्स इन लोगों को उन सभी चीजों से दिक्कत है जिसमें हमको अच्छा लगता है। पापा नाइट आउट करना है? नहीं बेटा, आवारे लड़के करते हैं नाइट आउट। पापा पार्टी में जाऊं?
बेटा ये खराब लोगों के चोचले पार्टी वार्टी के, घर पे रहो। सारा शर्मा जी का लोंडा टॉप करे तो तुम टॉप करो। शर्मा जी का लोंडा संस्कारी है, तुम संस्कारी बनो। शर्मा जी का लोंडा अच्छा गाता है, तुम भी सिंगर बनो। शर्मा जी का लोंडा अच्छा पबजी खेलता है, लेकिन तू हाथ भी मत लगा लिया पबजी को। स्कूल की क्रश और इंडियन पेरेंट्स, ये कब क्या और कैसे सोच लेना पता ही नहीं है। शायद तुमको नहीं पता, लेकिन जब तुम पबजी खेलते हो ना तो जान मुझ के तुमको सब्जी लेने भेजते हैं। जब तुम लास्ट जोन में होते हो ना तो जान मुझ के पानी की बोतलें भरवाई जाती है। हमारे पेरेंट्स को पबजी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि ये खेलने से तुम्हारे करियर की। और इनमें से कुछ भूतनी के बच्चे हर महीने रॉयल पास खरीदने के लिए माँ बाप के एटीएम कार्ड को फंसा देते हैं। बिना पूछे हर महीने पैसे कट, साले बाप है वो। गांड फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा। सालों जब ऐसी हरकतें करोगे तो माँ बाप क्यों ना भड़के। और इन्हीं पेरेंट्स को और भड़काने का काम ये न्यूज चैनल वाले करते हैं। इंडियन मीडिया न्यूज चैनल, इनके पास अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो उसका हवा बना देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं। अगर एक छपरी यूट्यूबर उसके चैनल पे सुशांत सर से रिलेटेड कुछ भी एरी गेरी मनगढ़ंत स्टोरी सुना देगा तो न्यूज चैनल वाले उसको फैक्ट समझ के लोगों को बता देंगे। अभी हर न्यूज चैनल वाला रिया चक्रवर्ती के घर जाके ये देखने में बिजी है कि वो कौन सा न्यूज चैनल देख रही है, वो क्या खा रही है, पी रही है, उसने व्हाट्सएप पे किससे कौन सा गांजा मंगवाया। और ऐसे ही कुछ टाइम पहले यही मीडिया पड़ी थी पबजी पे, हर चीज के पीछे ले देके बस पबजी। पहले ही बता दूं कि कुछ न्यूज असली थी लेकिन कुछ बस फेक। कोई तीसरे माले से कूद गया, रीजन पबजी। हार्ट अटैक से कोई मरा है, लेकिन रीजन पबजी। एक्सीडेंट हो गया, लव मेरी जो गई, रीजन पबजी। साला ओडिशा में बाढ़ आ गई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग उसका भी रीजन पबजी। और अभी ये न्यूज चैनल वाले पबजी बैन होने की न्यूज बांट रहे हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट हैज नाउ बैंड 118 मोर चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग पबजी। देखो ले देखे इसके पीछे जो रीजन है वो है चाइना, वही बकचोद दे जहाँ पे लोगों को दाल बाटी रोटी चावल नहीं उल्टा लटकता हुआ चमकादड़ खाना है। हम लोगों को शौक होता है कि चाइनीज खाएंगे, कुछ देसी खाएंगे, पंजाबी फूड खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, और इन लोगों को रोज नए शौक चढ़ते हैं। सांप खाएंगे, एनाकोंडा खाएंगे, चमकादड़ खाएंगे। सालो ये लट फेंक के मारेगा मैं। ये लोग चमकादड़ खा के आगे बढ़ गए और हम लोग चमकादड़ बन के बस एक ही घर में चिपक के रह गए। और ऊपर से हमारी बॉर्डर में घुस के हमारी आर्मी को छेड़ना, एक तो पहले गलती करता है और ऊपर से मुश्री के सॉरी भी नहीं बोला जाता तेरे से। चाइना ऐसे ओपन चैलेंज दे रहा है मैं तेरे को, अगर तेरे को पंगे लेने ही है, फाइट करनी है ना, तो ये इंडिया के पबजी प्लेयर से कर, ऐसे माथे पे रख के ना पट से हेडशॉट। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। देखो पबजी आ भी सकती है, लेकिन अगर नहीं आई तो डायनामो भैया का फिर से 12वीं में एडमिशन हो जाएगा। बेरोजगार पबजी लवर अब सब्जी की दुकानें खोल लेंगे। रॉयल पास के नाम पे हमारे यहाँ के छपरी बच्चे अब चाइना को अरबों खरबों रुपए नहीं देंगे। पबजी बंद करने के बाद मोदी जी विदेश यात्रा पे चले जाएंगे और मैं और मेरे दोस्त जो पबजी बैन से खुश है हम लोग डांस करेंगे। तो यार वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, कमेंट्स में आप सभी लिखेंगे RIP पबजी, और नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और देखो जो फ्रेंड्स तुम्हारे पबजी में पूरे दिन लगे रहते थे आज जले पे, वीडियो को शेयर कर दो। बाय। पर्दा हटा दो, मुखड़ा दिखा दो।